हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को मॉर्निंग की राधे राधे, जय श्री श्याम। और वैसे मॉर्निंग में 9:30 बज रहे हैं, आज हम 9 बजे तक सोए हैं, फिर उसके बाद वंदना लेके आ गई थी चाय। और इनका टीका हम लोगों ने रात में किया था क्योंकि ये लोग रात में आए थे, और यहाँ पे अभी सो ही रहे हैं बच्चे। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, देखो अभी परी सो रही है और ये टिट्टू रो रही है। टिट्टू क्यों रो रही हो? गाइस से बात कर लो, नहीं करोगी? टिट्टू सो के उठी है और सो के उठ के ना सीधे नहाने जा रही है। मैं सब्जी बना लेती हूं ना। टिट्टू बहुत अच्छी है, टिट्टू सारा काम कर लेती है। आओ मेरे पास आ जाओ, आओ मेरे पास आओगी। ये देखो डब्बू भी जग गई है, आ रहा है ऊपर चाय पीने के लिए। नीचे चाय पी लिए, नीचे वंदना चाय ले आई थी, चने बनाए थे वंदना ने, जो काले वाले चने होते हैं उनको छोड़ दिया था, तो चाय और चने हमने पी लिया। सर में क्या हो रहा है? सर तेल लगाया करो, है ना? ये गलती का लग रहा था, वो ही अपने हाथ में सर पर। परी, ओ परी, परी पी लो, थोड़ा सा खेल लो, फिर नहा लेना। मैंने नहीं मना नहीं है, पानी नहीं है टंकी में। आज आ जाओ मेरे पास, पानी खत्म हो गया। नहीं आओगी तो कोई बात नहीं, पानी नहीं है। हाँ, लेकिन पहले दूध पी लो, मोटर खराब हो गई है, पानी भरना है पहले टंकी में। पानी नहीं, जब तक क्या नाम है वो, मोटर ठीक हो जाएगी, पानी भर जाएगा। ओके, टंकी में पानी नहीं है इसलिए। तो कान्हा जी की पूजा हो चुकी है, ये देखो। रोना नहीं है तो यहाँ से जो अलमारियाँ थी उसके टूटने की वजह से ना यहाँ पे मेज पे मंदिर रखा हुआ है। परी खड़ी हो जाओ। अच्छा चलो ऊपर चलते हैं। एलर्जी नहीं है, एलर्जी खत्म है। यहाँ पे सीख चुके हैं पापड़, ब्रेड, चाय, ये दूध गर्म हो रहा है, वो ब्रेड सीख रहे हैं। पूजा पाठ हो चुकी है। कौन सा बल्ला? सो गाइज यहाँ पे कट रहे हैं एप्पल, मामी काट रही है एप्पल और सब लोग खा रहे हैं एप्पल, है ना? एप्पल। अच्छा यहाँ पे सब लोग एप्पल खा रहे हैं। एप्पल की स्पेलिंग तो सुनाओ। AEEPPLE एप्पल। तो यहाँ थोड़ा वो भी खा रहे हैं, सब लोग खा रहे हैं। सो ऊपर भी हम लोगों ने चाय नाश्ता कर लिया था और उसके बाद हम लोग यहाँ पे बहुत देर से कम हमें 1.5 घंटा हो गया है बातें करते करते। हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे थे, है ना? तो चलिए मैं आप लोगों की बात करवाती हूँ। प्रिया, 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 बहुत सारे पता है सब्सक्राइबर यू बोल रहे थे की आपकी ना आपकी बहन से लड़ाई हो गई है। क्यों? पता नहीं क्यों, क्या क्यों रहते हैं पता नहीं। काफी सब्सक्राइबर बोल रहे थे हाँ। कि आपकी बहन से लड़ाई है, जरा कुछ बोलेगी तू? क्यों लड़ाई क्यों होगी मेरी बहन से? मेरी भाई ऐसा क्यों लगा आपको? पता नहीं, जब हम गांव गए थे ना तो काफ़ी सारे मैसेज आए हुए थे कि आपकी बहन से लड़ाई है, ऐसा लग रहा था कि आपकी बहन आपसे बोल नहीं रही है। सो वो इसलिए नहीं बोलती कि जब मैं ब्लॉगिंग करती हूँ ताकि बीच में ना कोई मतलब डिस्टरबेंस ना हो, इस वजह से। नहीं, मेरी कोई लड़ाई नहीं मेरी बहन से, बहनों से किसी को भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। बहनों को हमेशा फ्रेंड बन के रहना चाहिए, और ये तो मेरी फ्रेंड है सबसे अच्छी, और कैमरे के सामने और
कैमरे के सामने कैमरे के सामने और प्रिया मेरी बहन नहीं मेरी फ्रेंड है ये, और मैं फ्रेंड ही मानती हूँ। अच्छा, और मैं आप लोगों को एक चीज और बताती हूँ, आप लोग हमेशा मेरे से बोलते हो कि आप हंसती क्यों हो इतना व्लॉग में, हंसती क्यों हो, इसका जवाब हमारी ये देंगी मैडम जी। हटो, मैं अभी इधर आ रही हूँ, मुझे स्पेस दो, मुझे स्पेस दो, पीछे हो बच्चों, पीछे हो, हमारी मामी से बात करवाएंगे। हटो, हाँ जी, ये बताओ कि मैं कैमरे में इतना हंसती क्यों हूँ। भैया हंसने से देखो सही रहता है, खून बढ़ता है, हेल्थ अच्छी रहती है, और जो इनके फेस पे तक ग्लो आ रहा है ये हंसने से आता है। अबे ग्लो है ही कहाँ मेरे चेहरे पे, ग्लो तो मेरा सारा चला गया। अच्छा एक बात बता रहा, जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो आशीष पीछे से कैसे कैसे मुंह बनाता है, कैसे कैसे मुझे चिढ़ाता रहता है। हाँ, चिढ़ाता नहीं रहता कैसे कैसे, और ये भी लोग पता नहीं कैसे, मैं व्लॉगिंग करूंगी ना, ये लोग मेरे को इतना चिढ़ाते रहते हैं ऐसे, तो पता नहीं कैसे कैसे मुंह बनाते रहते हैं। ये देख लो, ये परी बताएगी ऐसे ऐसे करते हैं ये। देख भाव बताओ, अगर मैं आप लोगों को बैक कैमरे की जो चीजें हैं वो मैं आप लोगों को दिखाती नहीं कि पीछे बैक क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है। और अभी अब मैं आपको क्या बताऊँ, अभी हम लोग यहाँ व्लॉगिंग कर रहे हैं और मेरी बहन ना आजकल ना फनी फेसों की वीडियो बना रही है। ये देखो आप लोगों को खुद पता चल जाएगा, ये देखो ये होता है हमारे यहाँ पे, एक दूसरे का इतना मजाक बनाया जाता है, इतना मजाक जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तुझे 10 करोड़ क्यों चाहिए, खत्म हो गई है किसी को। तू मेरे को पीछे से चिढ़ाता क्यों है, मेरे काफी सारे सब्सक्राइबर बोल रहे थे कि आपकी कोई हंसने की बात होती नहीं और आप हंसते रहते हो, ये चिढ़ाता है मुझे। पीछे से पता है कितना हंस रहे हैं ये लोग, और ये बहुत ज्यादा चिढ़ाता है मेरे को। अभी देखो मैंने क्या बोला कि मैं यहाँ वीडियो बना रही हूँ, मेरी बहन मेरी उल्टी सीधी वीडियो बना रही है, ये होता है हमारे घर में। ये देखो ये होता है हमारे घर में। आप लोग बोलते हो कि दिया बिना बात के क्यों हंसते हो, तो ये सब चीजें होती है, इस वजह से हमें हंसना पड़ता है। बताओ, 10 रुपए मांगने पड़ रहे हैं बीवी से। अबे मैंने तो एक ही सेब खाया नहीं है, मैंने तो एक ही सेब नहीं खाया, आप हंस जाओ। बताओ यार, सारे सेब चुरा ले गए बच्चे, मैं तब तक ब्लॉगिंग करती रहेगी तब तक सारे बच्चे सेब ले गए मेरे कैमरे में, मेरे कैमरे में सारे जल्दी से। ओ सामने देखो, और यहाँ पे सारी बच्चा पार्टी है, ये देखो क्या हो रहा है, कमरे का हाल देखो, ये देखो सारे बच्चे हैं यहाँ पे, ये हो रहा है कमरे का हाल, सब बच्चों ने कमरे का क्या हाल कर दिया है। और जी हमारी गुन्नू गलेगी, आशा शर्मा गुन्नू बात कर लो, छपचे छपचे बात कर लो, बात कर लो छपचे, इधर इधर इधर, ये देखो। सो अभी हम लोग है ना, मैं और प्रिया कहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारे पड़ोस में कोई एक्सपायर हो गया है, तो उनके यहाँ पे होके आना है हमें, वहाँ जा रहे हैं, खाना खा के फिर वहाँ जाते हैं। देखते हैं अगर भाभी भी चलेंगी तो उन्हें भी लेके चलेंगे, तुम तो हो आएगी ना शायद।
सो फ्रेंड्स, हम लोग नीचे से ऊपर आ गए थे। चेतना बोली थी कि दीदी खाना ऊपर ही खा लेना, क्योंकि एक दिन पहले राखी थी ना, तो मटर पनीर की सब्जी भी रखी हुई थी, काफ़ी सारा खाना ना जो रखा हुआ था। तो बोली थी कि दीदी पूड़ियाँ सेक लूँगी, तो खाना आप ऊपर ही खा लेना, वेस्ट नहीं होगा। तो वंदना ने फिर खाना बनाया नहीं था, क्योंकि ऊपर ही हम लोगों को खाना खाना था, और नाश्ता भी ना हमारा हैवी से ही हो गया था। यहाँ पर ना असू कुछ चीज़ मांग रहा था, तो चेतना डांट रही थी, कह रही थी कि बुआओं के लाड़ की वजह से बिगड़ गया है। तो मैंने कहा कि अभी मैं तुम्हारी पिटाई लगाती हूँ, और उसके बाद बाबू बोलो मिठू मिठू, ये देखो ये मिठू है, ये बोलते हैं, बहुत बातें करते हैं। मिठू बोलो, मिठू बोलो, मिठू अब नहीं बोलोगे, अब नहीं बोलोगे, लेकिन देख रहा है, बोल नहीं रहा। मिठू बोलो, ये देखो इसका नाम मिठू है, बच्चू है। ये मेरे पास से जा नहीं रहा है, मैं अपनी कजन सिस्टर्स के घर आई हुई हूँ, तो ये उन्होंने पाल रखा है। देख देख ब्लॉग में कैसे देख रहा है, ये देखो उन्होंने पाल रखा है ना, तो ये मेरे पास से जा नहीं रहा है। सिस्टर आपको बोल के दिखाएगा, सिस्टर बोल रही थी ये जाएगा नहीं, और ये आने के बाद मेरे पास से जा नहीं रहा है। ये देखो ये बैठा हुआ है, बात करो मिठू, मिठू हाय हेलो करो बाबू, हेलो मिठू तो गया रजनी के साथ, हेलो काट लेगा, ये मेरे पास से किसी के पास जा ही नहीं रहा है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे रात का टाइम हो रहा था, और आशीष ना लविश को, शौर्य को, परी को बाइक पे एक एक चक्कर कटवा रहा था। ये लोग मामा से जिद कर रहे थे कि मामा हमें एक एक चक्कर घुमा दो, तो यहाँ पे वो सब बच्चों को घुमा रहा था। सो गाइज, यहाँ पे हो रहा है, आज क्या दिन है, शुक्रवार, मतलब फ्राइडे हैगा, और नाइट का टाइम हो रहा है। आज मैंने व्लॉग ज़्यादा शूट नहीं किया था, और मैं एक ही टी शर्ट और पजामा लेके आई हूँ, तो मैंने दिन में धोखे डाल दिया था, तो उसको ही मैंने पहन लिया है। और हमारी गुन्नू क्या कर रही है, इसमें लगी हुई है, ये देखो बंद कर दिया उसने, काम कर रही है गुन्नू, सारा दिन काम करती है। और ये बैठी है वंदना, तो यहाँ पे बैठी हुई थी, हम लोग इस कमरे में सोते हैं, वंदना बाहर कमरे में सोती है। वैसे सोने को तो कहीं भी सो जाओ, पर इन्हें इस कमरे में नींद नहीं आती, और हमें बाहर के कमरे में नींद नहीं आती, हमें इसी कमरे में नींद आती है। हम लोग शुरू से इसी कमरे में सोए हैं ना, तो हम लोगों को इसी कमरे में नींद आती है। ऐसे बैठी कुछ बोलोगी सब्सक्राइबरों से, कुछ बोलना चाहोगी प्रिया? तो ये रही प्रिया भी अभी रुक गई है, क्योंकि मैं रुकी हुई थी, तो भाई जब मैं रुकती हूँ तो ये रुक जाती है तो मैं रुक जाती हूँ। जब मौका मिला है दोनों को साथ रुकने का, तो दोनों लोग साथ रुक जाते हैं। और वंदना परसों रक्षाबंधन में आने, मतलब हम लोग रक्षाबंधन था ना जिस दिन, उस दिन उससे एक दिन पहले चली गई थी। तो आप में से काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबरों ने ये भी पूछा था कि दी आपने जो वीडियोस बनाई है उसमें आप तीनों लोगों बड़ी वाली भाभी कहाँ हैं, तो ये उस टाइम पे थी नहीं, ये खुद बताएंगी अपने मुँह से। मैं एक दिन पहले चली गई थी अपने घर, ये एक दिन पहले इसलिए चली गई थी। अब आप लोग फिर ये बोलोगे कि दीदी बोल रही है, यही बोलेंगी, तुम ही बोलो, मैं नहीं बोल रही, मैं नहीं बोली, तुम बोलो भाई, तुम बोलो, हाँ ओए कितना खाया अभी, चाउमीन तो खा ली है, ये हमें छोड़ के चली गई थी आपकी रक्षाबंधन पर। आज चावल खाने के लिए बुला रहा है, चाउमीन खा लिए सब, चलो बच गई, आ रही है तो यहाँ आ रही है, गुन्नू हमारी लड़ रही है, आए जा, गुन्नू लड़ रही है, आ गए, गुन्नू लड़ रही है, अरे आ गए बोल तो सही, तो वंदना एक दिन पहले चली गई थी, क्योंकि फिर इनकी भाभी ना काफ़ी लेट हो जाती हैं, फिर ये नाइट में आई थी, तो हमने नाइट में राखी बांध दी थी,
और अब की बार राखी ना हर जगह दो दिन की थी। तुम्हारे यहाँ पे भी आज बांधी है, छोटी वाली आई थी उन्होंने भी आज बांधी। बताओ राखियों का भी ना पता है, मतलब त्योहारों का भी ना दो दिन का हो गया, और जन्माष्टमी का भी सुनने में आ रहा है कि दो दिन की ही हैगी। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों के यहाँ जन्माष्टमी कब की मनाई जा रही है। हमारे यहाँ पे तो 18 और 19 की बोल रहे हैं। अब फिर कंफ्यूजन, जैसे राखी जैसी कंफ्यूजन है ना, वैसे फिर वैसी कंफ्यूजन हो जाएगी कि हम जन्माष्टमी कब मनाएं कब ना मनाएं। तो बस क्या करें, जो हमारे तो त्यौहार है ना, ये तो कंफ्यूज ही करते रहते हैं हमें कि हम कब मनाएं कब ना मनाएं। अब आशीष बुला रहा है, पुलाव बना है पुलाव खाने के लिए, और पेट एकदम भर चुका है। वंदना ने बनाई थी छोले की सब्जी, छोले आलू की सब्जी, छोले आलू की सब्जी। तब तक बुलाता ही रहेगा, ऐसी पागल बत्ती देता ही रहेगा। अभी बिल्कुल हम ऊपर से ही बैठ के आ रहे हैं आज, वैसे ज़्यादा हम ऊपर ही बैठे हैं ना, बहुत देर से ऊपर बैठे हुए हैं। अब ऊपर जाओ तो ऊपर बैठ जाते हैं, दो चार घंटे नीचे आओ तो नीचे बैठ जाते हैं। क्या कर रही है? देखो गुल्लू खेल रही है, मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाती हूँ। गुन्नो क्या कर रही हो? प्रेस के तार से बात हो रही है। गुन्नो क्या हो रहा है? पापा ही पापा ही ये टिकटो मुंह निकालो बाहर से, मुंह निकालो बाहर से, मुंह से उंगलियां निकालो, सबसे गाइस से बात कर लो। हमारी टिकटो की तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है, टिट्टो तबीयत खराब है ना, टिट्टो की तबीयत ठीक नहीं है। गाइस को हेलो बोल दो, टिट्टो को उल्टियाँ सी हो रही थी। टिट्टो का देखो मुंह भी तभी बहुत ज़्यादा उदास सा हो रहा है, तो कितना पतला सा हो रहा है इसका मुंह, देखो जरा नजर लगी हमारी टिट्टो। टिट्टो को बहुत सारे मामा आएंगे, वो पसंद करते हैं, है ना टिट्टो? एक वैभव कांत मामा हैंगे, और एक है ओम प्रकाश मामा जी, बहुत सारे मामा आपको पसंद करते हैं, कहते हैं आपकी टिट्टो हमें बहुत अच्छी लगती है। बहुत सारी बुआ हैं आपकी यहाँ पे पता, बहुत सारी बुआ आपको पसंद करती हैं, कहती हैं कि हमें टिट्टो से मिलवाओ, टिट्टो से हमारी बात कराओ, टिट्टो बहुत अच्छी लड़की है। तो सबसे हाय बोल दो, सबसे हाय बोल दो, सबसे हाय बोल दो। टिट्टो हमारी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लड़की है हमारी टिट्टो, और गुल्लू हमारी बहुत शैतान है। तो चलो थोड़ी देर ऊपर होके आते हैं, थोड़ा ऊपर खा के आए फिर से। हे भगवान, कोई नहीं, रात में बाथरूम जाते रहना, बाहर लेट होगी लेट होगी कुछ नहीं की जगह आके कैमरा लेट मेरे को डर नहीं लगता, मेरे को पता था कि तुम लोग इसीलिए बुला रहे हो मेरे को। अभी फिर आप उन्हें डरा के सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आशीष अपना ऑफिस का काम कर रहा था, और ये लोग है ना मुझे जीने पे डराने के लिए खड़े थे, लेकिन मैं नहीं डरी। और शौर्य यहाँ पे खा रहा था चावल, और यहाँ पे ये अपना थोड़ा सा लैपटॉप में काम कर रहा था, तो मैं थोड़ा सा देखने लगी। उसके बाद है ना यहाँ पे इसने गरुण पुराण लगा ली थी, जो कि हम सब लोग गरुण पुराण यहाँ पे देख रहे थे लेट के। गरुण पुराण में काफ़ी सारी कहानियाँ ऐसी हैं जिनको देख के अच्छा लगता है, और काफ़ी सारी नॉलेज भी मिलती है। तो आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो एक लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो वो लोग मेरे चैनल को